सैकड़ों कॉलोनियां डूब सकती है अंधेरों में। उत्तर पश्चिम व बाहरी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां आने वाले दिनों में डूब सकती है अंधेरों में, क्योंकि लगभग 70 लाख आबादी वाले इन इलाकों में बिजली वितरण कर रही टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने इन इलाकों में लगभग 50 स्ट्रीट लाइट के रखरखाव से मना कर दिया है। TPDDL ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर हुए खर्च का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यह भुगतान 7 करोड़ रुपए तक हो गया है। अगर इसका भुगतान जल्दी नहीं किया तो वह सभी स्ट्रीट लाइट बंद कर देगी। कंपनी ने मुख्य सचिव से स्वामित्व विवाद और लंबित भुगतान मामले के निपटान के लिए सरकार से अपील की है। दरअसल TPDDL अपने वितरण क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम व DSIDC के अधीन क्षेत्र में जलने वाले स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करती है। इसके एवरेज में उत्तरी दिल्ली नगर निगम व DSIDC TPDDL को बिल का भुगतान करता है। अब TPDDL का कहना है कि पिछले 1 साल से इन दोनों सरकारी एजेंसियों ने स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर हुए खर्च का भुगतान अभी तक नहीं किया है। यह रकम अब बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। TPDDL कंपनी स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर हर महीने 68 लाख खर्च करती है, लेकिन पिछले 1 साल से इनका भुगतान नहीं हुआ है, जो अब 7 करोड़ रुपए की राशि हो चुकी है। TPDDL के CEO संजय बांगा ने कहा कि TPDDL इस मामले में बकाया राशि का भुगतान ना करना स्ट्रीट लाइट के नियमित रखरखाव में गंभीर रूप से बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह हाल ही रहा तो कंपनी स्ट्रीट लाइट का रखरखाव नहीं करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।